नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। गुमला सदर थाना क्षेत्र के बसुआ में बुधवार की रात को बरहा टोली निवासी सुनील उराव और पोको टोली के आशीष उराव को अंबा टोली के किशुन उराव व उसके कुछ सहयोगियों के द्वारा मारपीट करते हुए बाइक सहित मिट्टी का तेल डालकर आग जला देने का आरोप लगाया गया है, जिसके बाद बताया जा रहा है कि भाग कर किसी तरह से दोनों गांव पहुंचे, जिसके बाद सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहां से रिम्स रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान सुनील उराव की मौत हो गई, जबकि आशीष उराव का इलाज चल रहा है। इस घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों के द्वारा बसवा अंबा टोली पहुंचकर खून के बदले खून की मांग करते हुए 11 सैकड़ों की संख्या में आक्रोशित ग्रामीणों को मौके पर पहुंचे एसडीपीओ मनीष चंद्र थाना प्रभारी व इंस्पेक्टर सहित दल बल के साथ हैं। पुलिस समझौता कराने में जुटी हुई है। वही इस दौरान मृतक सुनील के परिजनों ने बताया कि किशुन उराव बुधवार को रात में बाहर से कुछ स्कॉर्पियो में बुलाए लोगों के साथ गांव पहुंच सुनील और आशीष को उठाकर ले आए, जिसके बाद मारपीट करते हुए बाइक सहित आग के हवाले कर दिया, जिसके बाद किसी तरह भागकर दोनों गांव पहुंचे। इसके बाद ग्रामीणों ने सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां से रिम्स रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान सुनील उराव की मौत हो जाने की बात बताई जा रही है, जबकि आशीष का इलाज चल रहा है। फिलहाल स्थिति तनावपूर्ण है, जिसे पुलिस नियंत्रण करने में जुटी हुई है। हालांकि घटना के असल कारणों का अब तक खुलासा नहीं हो सका है। सामान ये लोग साथ में था, ये लोग लेकर आया यहाँ पे और किसी का बात नहीं सुना, ना सरपंच का ना मुखिया, किसी का बात नहीं। ये लोग डायरेक्ट बोल रहा है कि हम लोग ही मुखिया, हम ही लोग सरपंच, जो होगा हम ही लोग देखा जाएगा, ना पुलिस डर ना किसी से, नहीं जो होगा देखा जाएगा बोल के वो लोग पेट्रोल डाला और दाग दिया पूरा। और क्या क्या फिर जो छुड़ाने गया उसको भी वो लोग पूरा मारपीट पूरा हुआ है। और कौन दो लड़का को बारह टोली का सुनील उराव का हुआ है और पोको टोली का आशीष उराव को केवल अभी भी वो भी सीरियस हाल में है। तो अभी आप लोग कहाँ आए हैं? हम लोग यहाँ बसुआ अंबा टोली आए हैं। क्या करने यहाँ पे हुई उसी का कुछ काम करने, हम लोग नहीं करेंगे तो कहाँ प्रशासन कुछ करेगा? हम लोग नहीं करेंगे तो मुजरिम है उसको पकड़ने के लिए। अभी तो लोग पूरा अंदर बंद है, अभी निकलेगा तब ना। रात को तो बोल रहा था कि ऐसा करेंगे, अभी निकलो बाहर तब ना हम लोग भी देखेंगे। सर यहाँ मेरा भाई था सुनील उरा, वो जो घर में था यहाँ अंबा टोली का किशुन उरा और उसका 10-15-20 आदमी किसी को बाहर से बुला के लाया और उन लोग के पास सामान उमान था, हथियार था, जैसे टांगी था, तलवार था, बर्छा था। वो लोग लहराते हुए स्कॉर्पियो में आया था, वो लोग लहराते हुए गया गांव और गांव से सुनील उराव और वो आशीष उराव को उठा के लाया और उसका बाइक को भी लाया और यहाँ बाइक में आग लगा दिया और सुनील उराव को और आशीष उराव को टांगी से और चाकू से और पता नहीं धारदार हथियार सब से वार किया गया है, बांध के और उसमें पेट्रोल छिड़क के आग लगा दिया गया, जिंदा जला दिया गया। शायद मिट्टी तेल था, ये जिंदा जला दिया गया है। उसके बाद हम लोग आनन फानन में दोनों को उठा के यहाँ से हम लोग हॉस्पिटल ले गए सदर अस्पताल गुमला, फिर वहाँ से सदर अस्पताल से रिम्स रेफर किया गया, जहाँ ट्रीटमेंट के दौरान सुनील उराव का मौत हो गया है और एक अभी आशीष उराव जो घायल है उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। हाँ, उसका स्थिति गंभीर है, ट्रीटमेंट अभी चल रहा है और हम लोग ग्रामीण के तरफ से ये मांग रखते हैं पुलिस प्रशासन से कि मोमलिमचिंग का ये मामला है, इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए और दुखद परिवार को जिसके घर में मौत हुआ है उसका कमाने वाला एक ही औलाद था, एक ही बेटा है और उसके परिवार लगभग 10 परिवार है, पालने वाला वही था। तो प्रशासन से हम गुहार करेंगे कि उनको 10 लाख मुआवजा दिया जाए, एक सरकारी नौकरी दी जाए, लिंचिंग का मामला दर्ज कराया जाए और जो अभी बॉडी आ रहा है हम यह प्रशासन से मांग रखते हैं कि उसका घर में जहाँ पर मिट्टी तेल दे के आग लगाया गया था वहाँ पर हम वहाँ पर उसको भस्म करेंगे, उसका विसर्जन करेंगे यहीं पर, ये हम पुलिस प्रशासन से मांग रखते हैं। गया था उसका पत्नी भी गया, उसका पत्नी। हाँ, और लड़का लोग भी था, 10-11 था ऐसा, उस लोग यहाँ का पहचान में नहीं था, बाहर का था, लोग बुलाया गया था, घर वाला जानेगा उसको कहाँ से लाया था आदमी। हाँ, कैसे करवाया उसको, वहाँ से लाया गया, गाँव में गया, जाने के बाद में बोला कि हम लोग ले जा रहे हैं, अच्छा समझाएंगे बुझाएंगे
जो भी एक छड़ी दो छड़ी जो भी मारपीट करेंगे हाथ गोड़ से। अच्छा। लेकिन वैसा नहीं करेंगे बोल के अच्छा से लाया वो लोग। अच्छा। तो हम लोग का गांव का आदमी उन लोग को विश्वास करके उन लोग के साथ भेजा। हाँ। भेजा उसके बाद हम लोग का गांव के भी आदमी उसको पकड़ के लाया गया तो उसका पीछे आए हम लोग। अच्छा। उसके बाद यहाँ लाने के बाद में रस्सी से बांध दिया गया दोनों लड़का को। अच्छा। कहाँ पे रहने के बाद में वो लोग थोड़ा बहुत पहले से मारपीट किया कुछ बोलेगा बोलने का वो लोग को तो जो गलती किया वो लोग को तो बोलने का अधिकार होना चाहिए। डायरेक्ट तो किसी को लात जूता नहीं करना चाहिए। वो वहाँ से लाने के बाद में यहाँ थोड़ा बहुत मारपीट किया उसके बाद में रस्सी बांधा। रस्सी बांधने के बाद में हेड पेट्रोल लाया। पेट्रोल लाया जो आदमी जो लड़का था बांधा था उनका ऊपर डाल दिया दोनों ऊपर। अच्छा। डाल दिया पेट्रोल। पेट्रोल डालने के बाद में वो लोग बोल रहा टांगा बुलवा सब तो हथियार पकड़ा है। कितना आदमी था वो लोग? करीब था 15 आदमी। घर का था और कहीं से और वो लोग लाया था। अच्छा। हाँ बट गांव का तो यहाँ वो लोग का देखते हुए पेट्रोल डाल के जला दिया गया। आप लोग कई आदमी थे आए थे साथ में गांव से? गांव से हम लोग करीब आए थे 15 आप लोग भी गांव से आए थे 15 आदमी ना? हाँ। लेकिन उन लोग के साथ हथियार है इसलिए हिम्मत भी चाहिए।